स्टेटिस्टिक्स uh, में इंट्रोडक्शन uh, के अंदर ही हम अब बात करेंगे टर्म्स एंड डेफिनेशनस की uh, कुछ की टर्म्स की जो स्टूडेंट को नहीं चली, जब हम स्टार्ट करते हैं तो उनको आनी चाहिए सो so, स्टिस्टिक्स के अंदर हम टर्म यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और इन्फ्लेंशल स्टेटिस्टिक्स बेसिकली स्टार्ट को हम दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है दैट डील्स विद द समराइजिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रटिंग द डेटा और जस्ट प्रजेंटिंग द डेटा कम्यूनिकेटिंग द रिजल्ट जैसा अगर हम डेटा uh, लेते हैं मैंने भी एग्जाम्पल दिया आपका टेस्ट में अगर क्लास का फर्स्ट असाइनमेंट देती हूँ और उसके ऊपर यू पीपल गेट मार्क्स मे बी आउट ऑफ टेन उसको मैं मे बी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रजेंट कर दूँ उसका मैं ग्राफिकल फॉर्म में प्रजेंट कर दूँ उसका मीन निकाल दूँ और स्टैंडर्डविशन निकाल के उसको समराइज करके वन वैल्यू में एक्सप्लेन कर दूँ Uh, so basically when i simplify the uh, data i will be using all uh, descriptive procedures uh, on the data uh, or simplify clinically inferential statistics on the other way um, is a technique that allows you to you know, uh, uh, generalize your findings or uh, uh, draw an inference or test a hypothesis सो हम फर्ज करें आप हम कंपेयर करते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में द पीपल हु आर स्टडिंग रिमोटली एंड द पीपल हु आर सिटिंग इन रियल फिजिकल क्लास क्या इनकी डिफ्रेंस है तो मे बी आई विल बी कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम यू पीपल एंड देन यू पीपल फ्रॉम द क्लास उसके अंदर मैं डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर उस पर एनालिसिस रन करूँगी और फिर उसके बाद आई विल मे बी ड्राॅइंग कंक्लूजन यूजिंग सम स्टिस्टिकल टेस्ट जैसा कि आपका थी um, टेस्ट है मे बी तो उसके बाद आई विल रीच टू द कंक्लूजन एंड आई विल ड्रॉ इन जनरलाइज दैट कंकलूजन टूवर्ड यू नो टू पापुलेशन जो कि मेरी एक स्टूडेंट्स uh, की पापुलेशन जो कि रिमोटली पढ़ते हैं और दूसरी पापुलेशन जो हमारी है जो कि क्लास में पढ़ते हैं सो इनफ्शियल स्टटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ टेक्नीक दट अलाउ यू टू स्टडी सैम्पल्स एंड देन मेक जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपूलेशन सैम्पलिंग एरर का टर्म बहुत हम आगे भी यूज़ करेंगे एंड यू मस्ट नो अबाउट इट कि जो डिफरेंस आता है सैम्पल और पापुलेशन के करेक्टरिस्टिक में देट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग एरर अगर फ़र्ज़ करें uh, पाकिस्तान में लाहौर में जितने भी uh, लामा अकबल ओपन यूनिवर्सिटी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी है कितने लोग रिमोटली uh, uh, पढ़ा रहे हैं टीचिंग हो रही है मे बी देट इज़ माई पापुलेशन ठीक है और उसमें से मैंने सैंपल ड्रॉ करना है मे बी मैंने 50 परसेंट सैम्पल वर्चुअल से 50 परसेंट उधर से लिया है तो जो सैंपल स्टडी करूँगी और अगर मैं पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करूँ स्टूडेंट्स को तो उनका मीन और सैंपल का मीन ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा वो एग्जैक्टली exactly सेम नहीं हो सकता देर विल बी सम इन इट क्योंकि आपने उसमें से सैंपल कैसे निकाला है कौन सी टेक्निक यूज़ की है कितना बड़ा सैंपल है कितना स्मॉल सैंपल है कितना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है ये सारी बातें मेटा uh, करती हैं सो सैम्पलिंग एयर इज़ अ काइंड ऑफ नैचुरली अक्रिंग डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल करेक्टरिस्टिक्स एंड द पापुलेशन करेक्टरिस्टिक्स सो वॉट इज़ पापुलेशन एंड वॉट इज सैम्पल पॉपुलेशन इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टडी पॉपुलेशन सो ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि वो पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन अगर मैं स्टूडेंट्स पर कोई स्टडी कर रही हूँ पॉपुलेशन मेरी पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हो सकते हैं मेरे पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स हो सकते हैं सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरी पॉपुलेशन हो सकते हैं और मे बी सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भी मेरी पॉपुलेशन हो सकते हैं इट्स अप टू द रिसर्चर कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और वो पॉपुलेशन को किस तरह से डिफाइन करता है जितनी हम पॉपुलेशन को बड़ा रखते हैं हमारी जर्नालाइजबिलिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है अगर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ही सैम्पल कलेक्ट किया है तो मे बी मेरी जर्नलाइजबिलिटी भी रिजल्ट की सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर ही होगी सैंपल उसी में से फिर हम ड्रॉ करते हैं और सैम्पलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं आपने डेफिनेटली रिसर्च में पढ़ी होंगी आपकी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है सैंपल मस्ट बी वेरी रिप्रेजेंटेटिव वे वे ऑफ़ द रियल पॉपुलेशन तो स्मॉल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट वी ड्रॉ फ्राम द पॉपुलेशन जिसको रिसर्चर ने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया है वो हम निकालते हैं जैसा अगर मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किए हैं तो मे बी आई कैन ड्रॉ रैंडमली Uh, by taking a list of all the students who are enrolled in psychology programs at Punjab University, that will the population, and then I can draw sample jitna mujhe required hai as per my research variables, as per my research design. Uh, accordingly, must. draw it. This is just an illustration ki population and I have drawn sample and draw उसकी करेक्टरिस्टिक स्टडी की हैं जैसा मैंने उनके ऊपर जो भी मीन मीडियन मॉड निकाला है या जो भी उनके ऊपर मैंने टेस्ट लगाए हैं और उसके बाद मैंने फिर उससे इन्फ्लेंस ड्रॉ किया है अबाउट द पॉपुलेशन और फिर आई विल रेफर बैक टू दैट पॉपुलेशन और उसकी तरफ मेरी फिर जर्नलाइजबिलिटी होगी और टर्म हमारी होती है पैरामीटर पैरामीटर इन स्टिस्टिक जब भी हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और उसको समराइज़ करते हैं तो दैट आर कॉल्ड पैरामीटर एनी वैल्यू दैट यूजली इनमेरिकल वैल्यू विच डिस्क्राइब आ पॉपुलेशन जैसे अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स एट पंजाब यूनिवर्सिटी आर द होल पॉपुलेशन फॉर मी तो मैं फिर उनकी सारों की एक लिस्ट ले कर उनका सबका अगर फ़र्ज करें मैंने चेक करना है क्या मैं चेक कर रही हूँ उनका मे बी मोटिवेशन लेवल चेक कर रहे हैं हम या उनकी एक्डेमिक uh, अचिवमेंट चेक कर रही हूँ मैं तो जब मैंने सब स्टूडेंट को मेयर कर लिया पॉपुलेशन का एग्जॉस्ट कर दिया तो उसकी मैंने जब मीन निकाली तो दैट विल बी अ पैरामीटर सो दैट आई विल कॉल इट म्यू एंड दैट विल बी लेबल्ड दैज पैरामीटर इसके बरक्स अगर उसमें से मैंने से थर्टी का सैम्पल निकाला है और उन थर्टी का मैंने एक्डामिक uh, अचीवमेंट या मोटिवेशन चेक की है और उसकी मीन निकाली है तो देट विल बी अ स्टेटिस्टिक सो स्टेटिस्टिक इज़ अ वैल्यू यूजली अनकल वैल्यू द डिस्क्राइब्स अ सैम्पल स्टेटिस्टिक इज़ यूजली डिराइव फ्राम मेमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन द सांपल ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जैसे uh, अगर मीन निकाली है पूरी पॉपुलेशन के ऊपर उसका सिम्बल म्यू है और उसको हम लिखते ऐसे हैं और इसको हम पैरामीटर कहेंगे जबकि स्टेटिस्टिक uh, जो है दैट इज़ एक्चुअली मीन जो कि साम्पल की है इसको हम एक्सबार से डिनोट करते हैं और हम उसको मीन पढ़ते हैं इसी तरह प्रपोर्शन के लिए भी अब uh, पैरामीटर के लिए अलग सिंबल है और सैंपल स्टैटिस्टिक के लिए हमारा सिंबल अलग है एंड सिमिलरली स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन के लिए हम पॉपुलेशन का जब कैलकुलेट करते हैं सिग्मा और जब हम सैंपल का निकालेंगे तो उसको हम एस से डिनोट करते हैं और फिर कोरिलेशन के लिए भी हमारे सिंबल्स पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के लिए डिफरेंट uh, है इसके अलावा डेटा मेन टर्म हमारी और थ्रू आउट हम स्टार्ट में डेटा की बात ही करेंगे डेटा इज़ अ प्लूरल टर्म और uh, जिसका मतलब है कि हमने नंबर ऑफ ऑब्ज़रवेशन इसमें कलेक्ट uh, की हैं और जब हम करते हैं उसको डेटा सेट भी हम कहते हैं और इसका जो सिंगलर है वो डेटम है दैट इज़ अ सिंगल वैल्यू इन द डेटा अगर मेरी पूरे सैम्पल में से किसी एक इंडिविजुअल का मैंने मोटिवेशन चेक किया है दैट इज़ वन ऑब्जर्वेशन और वन डेटा पॉइंट दैट विल बी कॉल्ड डेटम और उसको हम स्कोर भी बोल सकते हैं और उसको हम रॉ स्कोर भी बोल सकते हैं और भी बहुत सारी टर्म्स हैं बट वी विल कीप टॉकिंग एंड डिस्कसिंग जब हम मूव ऑन करेंगे लेकिन सो फार इनिशियली आई थिंक वी शुड हैव यू नो इंट्रोडक्शन विद दीज टर्म्स एंड या क्या इट